नोबल विजेता स्वांते पाबो को क्यों मिला ये सम्मान, जाने उनके रिसर्च की फुल डिटेल्स। मानव सभ्यता का धरती पर कैसे विकास हुआ, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी में अपना योगदान देने के लिए स्वीडन के चिकित्सा वैज्ञानिक स्वांते पाबो को फिजियोलॉजी और मेडिसिन में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए, ये तो रही खबर, लेकिन अब हम आपको विस्तार से ये बताते हैं कि स्वांते पाबो ने आखिर ऐसी क्या खोज की है जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले हम आपको ये बता दें कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले स्वांते पाबो स्वीडन के आनुवांशिकीविद हैं, जो सालों से मानव सभ्यता के विकास क्रम और उसकी आनुवांशिकता पर रिसर्च कर रहे थे। स्वांते पाबो ने मनुष्य प्रजाति के विकासवादी इतिहास में एक बड़ा रिसर्च कर ये पता लगाने में मदद की है कि कैसे मनुष्य एक जगह पर उत्पन्न होकर धीरे धीरे पूरी धरती पर ही फैल गया। उनके रिसर्च से ऐसे कई सवालों का जवाब ढूंढ पाने में अब मदद मिलेगी जो सालों से लोगों के जहन में उमड़ घुमड़ रहे थे, जैसे कि मानव कहां से आया, वो धरती के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर कैसे फैल गया, मानव प्रजातियों में इतनी भिन्नताएं कैसे हैं, और होमो सेपियंस विकास के क्रम में कैसे आगे बढ़ते चले गए और कैसे हमारे रिश्तेदार विलुप्त होते चले गए। आपको बताते चलें कि 1990 के दशक में ह्यूमन जेनेटिक कोड पर रिसर्च शुरू हुआ था। इस पर रिसर्च वर्क को तेजी से बढ़ाया गया है, लेकिन जेनेटिक कोड पर बेस्ड रिसर्च डीएनए के नमूनों पर ही निर्भर था। लेकिन इसी दिशा में प्रोफेसर पाबो ने एक अलग तरह के चैलेंज को स्वीकार किया। उन्होंने खराब हो चुके जेनेटिक अवशेषों, जो कि हजारों साल पहले हमारे ही पूर्वजों से प्राप्त हुए थे लेकिन जो अब खराब समझे जा रहे थे, उन्हीं पर शोध करना शुरू किया। इसे उस समय एक असंभव सी कोशिश समझा जा रहा था, क्योंकि उससे डीएनए सीक्वेंसिंग कर पाना लगभग नाक के ही बराबर था। लेकिन पाबो को उसमें सफलता हासिल हुई। उन्होंने करीब 40,000 साल पुराने हड्डी के टुकड़े से डीएनए की न सिर्फ सीक्वेंसिंग की, बल्कि ये भी साबित कर दिखाया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। स्वांते पाबो के इस रिसर्च के परिणामों से ये पता चला कि नियंडरथल मानव, जो कि धरती पर वेस्टर्न एशिया और यूरोप के अधिकतर हिस्सों में फैले हुए थे, वे आधुनिक मानव और पशुओं के करीबी रिश्तेदार जैसे चिंपैंजी से बिल्कुल अलग थे। उनके इस रिसर्च पर नोबेल कमेटी ने कहा कि सभी जीवित मनुष्यों और विलुप्त हो चुके होमिनिन्स के बीच जेनेटिक्स का फर्क मालूम कर हम अब ये पता लगा सकते हैं कि आखिर वो कौन सी जेनेटिक कड़ी है जो हमें इतना अलग और विशिष्ट बनाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।